दर्शकहो नमस्कार। MIT समूहाच्या वतीनं 8वी जागतिक संसद विज्ञान धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांवरील 3 दिवसीय जागतिक संसद पुण्याच्या लोणी येथील राजबागेत पार पडत आहे। या जागतिक संसदेचा आजचा दुसरा दिवस, आजच्या दुसऱ्या दिवसाची पाहुयात काही क्षणचित्र। भारत मातेला आणि संपूर्ण मानवजातीला समर्पित अशा भव्य डोममध्ये देशभरातील महंत, शास्त्रज्ञ, विशेष अतिथी यांच्या उपस्थितीत आजचा या जागतिक संसदेतील दुसरा दिवस पार पडला। संसदेच्या दुसऱ्या दिवसाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले। श्रीमद भागवत गीता भवन येथे सर्व धर्मांच्या प्रमुख ग्रंथांचे मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी पूजन करण्यात आले। राहुल कराड, डॉक्टर मंगेश कराड, डॉक्टर विजय भटकर, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी स्वागतपर भाषणात MIT चे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड म्हणाले, अल्टिमेटली मेरे हिसाब से आदरणीय कराड सर का जो सपना था, ये एक तो शिक्षा के माध्यम से ये वर्ल्ड पीस का उसमें हम किस तरीके से पेनिट्रेशन करके एजुकेशन सिस्टम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ताकि आने वाली आप सब पीढ़ियाँ समाज में एक अलग चित्र लेके एक ऑर्डर तैयार करे, एक अच्छा हारमोनियस सोसाइटी तैयार करे, ये एक सबसे पहला लक्ष्य है। और हम जानते हैं कि हज़ारों लोग, लाखों लोग आने वाले समय में, अगले 200-400-500 साल में इस वास्तु को देखने के लिए आएंगे और इसको और इसके माध्यम से कुछ सीख लेके एक 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 यूनिवर्सिटी की तरह, एक लाइफ लर्निंग की तरह इसकी तरफ देख के एक मैसेज स्प्रेड करेंगे, मैं ऐसा यहाँ पे देखता हूँ। यावेळी MIT चे डॉक्टर मंगेश कराड म्हणाले, फ्रेंड्स, आई एम रियली डिलाइटेड टू से फ्यू वर्ड्स हियर। इट इज अ वेरी पायस डे। आई थिंक वी आर डेडिकेटिंग दिस वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल इन द नेम ऑफ द संत ज्ञानेश्वर जी टू द पब्लिक, टू द सोसाइटी। एंड टुडे आवर हिज एक्सलेंसी हैज इनॉग्रेटेड श्रीमद भगवद गीता भवन विच इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस डोम। वॉट अ वंडरफुल डे, वॉट अ हिस्टोरिकल डे आई विल से इन द हिस्ट्री ऑफ द MIT ग्रुप। 8वी जागतिक संसद विज्ञान धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांच्या दुसऱ्या दिवशी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांच्या नावाने उभारलेल्या या विशाल घुमटाचा विश्वार्पण सोहळा महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला। विश्वार्पण ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम फिलॉसॉफर सेंट श्री ज्ञानेश्वरा वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल। A big, big round of applause, my friends. Let us rise in our seats. Let us rise in our seats. As this world's biggest dome, Philosopher Sri Sri Ganeshwara World Peace Prayer Hall is dedicated now to entire humanity at the hands of His Excellency. A beautiful moment.
विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथदा कराड यांच्या संकल्पनेतील 1,25,000 विद्यार्थ्यांना गीता वाटप या संकल्पाचा राज्यपालांच्या हस्ते श्री गणेशा करण्यात आला. या जागतिक संसदेविषयी आपली भूमिका मांडताना विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथदा कराड म्हणाले, अध्यात्मशास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला मानवता के चरणों में, विश्व के सेवा में, सारी दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास और दिन, और वो भी मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी साक्षी हैं आप सारे लोग, लेकिन जिन शख्सियत के हाथ से, इंसान के हाथ से ये ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा हुआ है अभी अभी, इतना ही कहूंगा कि दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. लेखक लक्ष्मण घुगे लिखित पवन पवित्र सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी या पुस्तकाचे प्रकाशन या प्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. आठव्या जागतिक संसदेचे प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी यावेळी आपले विचार मांडले. अभी विश्वनाथ जी जो कुछ कर रहे हैं, इनके बच्चे जो कुछ कर रहे हैं और इनके सब साथी जो कुछ कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इसका नाम महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक सीमित न रह करके अगर इसका नाम ये बोला जाए, इट इज मैग्निफिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये मनुष्य को देवता बनाने का, मनुष्य को ऊपर उठाने का, मैटेरियलिज्म से, भौतिकता से ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, अगर ऐसा कहा जाए तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी. संसदेच्या पहिल्या सत्राची सांगता MIT च्या स्वाती कराड चाटे यांनी मान्यवरांचे आभार मानत केली. We are so grateful to you, sir, for gracing this occasion today and blessing us on behalf of the Board of Trustees, the students, the staff members of MIRS. I am here to propose, I will not say thanks because that's a very short word. I think we have to express our gratitude. Aur aap hame aise hi aashirwad dete rahe. यही मैं प्रार्थना करूंगी. संस्कृत पंडित वसंतराव गाडगीळ यांनी आपल्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या. तदर्थं धन्यवादः दीयन्ते कोटि कोटिशः कोटि कोटि तदर्थं प्रमाणः यतः यस्य चरणारविन्द सविधे अस्य अधुना आसनं भगवान् रामकृष्णः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णः न केवलम् एकः रामचन्द्रः तदुत्तरं भगवान् श्रीकृष्णः वाल्मीकीयं रामायणं व्यासस्य महाभारतं लक्षश्लोकात्मकं महाभारतं पञ्चविंशतिसहस्रश्लोकात्मकं रामायणम्. आठवी जागतिक संसद विज्ञान धर्म आणि तत्त्वज्ञान याच्या दुसऱ्या दिवशीचे तिसरे सत्र पॅनल डिस्कशनने पार पडले. या सत्राचे स्वागतपर भाषण विश्वशांती दर्शनचे डॉक्टर मुकेश शर्मा यांनी केले. द एज्युकेशन विच डज नॉट हेल्प द कॉमन मास ऑफ पीपल टू अक्युब देमसेल्फ फॉर लाईफ, विच डज नॉट ब्रिंग अवर स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर, अ स्पिरिट ऑफ फिलॉसॉफी अँड द करेज ऑफ लायन, इज इट वर्थ द नेम? रिअल एज्युकेशन इज दॅट विच एनेबल्स वन टू स्टँड ऑन वन्स युअर ओन लॅग. मतलब
वो शिक्षा जो आम लोगों के जीवन को तैयार करने में मदद नहीं करती है, जो चरित्र की ताकत, दर्शन की भावना और सिंह रूपी साहस को नहीं दर्शाती है, तो क्या वो वाकई शिक्षा कहने लायक है? वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द शिक्षा की एक बहुत ही व्यवहारिक अवधारणा देते हैं। ब्रह्मश्री पूज्य सद्गुरु श्री श्री रितेश्वर जी महाराज यांनी आपले विचार मांडले। जब मुझे निमंत्रण मिला और मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के बीच जाना है जो वास्तव में इस देश और दुनिया में पढ़ने के बाद जब निकलेंगे तो पीस हारमनी वो वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम स्वयं ही अगर प्याज खाओगे तो तुम्हारे जीवन से प्याज की डकार आएगी। ओम डकार लेते हो ना, और अगर इलायची खाओगे तो इलायची की डकार आएगी। तुम्हारे जीवन में अगर पीस होगी, हारमनी होगा, आपके जीवन में अगर लव होगा, आपके जीवन में अगर बेफिक्री होगी, आपके जीवन में अगर निर्भयता होगी, फियरलेसनेस होगा, आनंद होगा, ब्लिसफुलनेस होगा, तो वो बताने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वनाथ कराट के इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे जहां जाएंगे तो मुझे एक गाना याद पड़ता है कि जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। डॉक्टर राम विलास वेदांती यांनी आपले विचार मांडले। आज परम सौभाग्य है कि विश्व के इस अद्भुत मंडपम में बैठकर हम सब लोग जिस प्रखर धारा में प्रवाहित हो रहे हैं, जिस विचारधारा की ओर संसार के लोगों को ले चलने के लिए हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, ऐसा महामानव मुझे ऐसा नहीं लगता कि संसार में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ से भी कोई अच्छा होगा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों का अन्वेषण किया है, केवल भारतीय स्तर पर नहीं, केवल भारत के धर्मावलंबियों का अवलोकन नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मावलंबियों का अवलोकन करने के बाद सबको एक साथ इस मंडपम पर उपस्थित करने का काम यदि विश्व में किसी ने किया तो उसका नाम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ है। डॉक्टर बी रामस्वामी स्वम्य यांनी आपले विचार मांडले। दिस रिमार्क आई एम मेकिंग एज अ यूजीसी एक्सपर्ट कमिटी मेंबर एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडवाइजर फॉर आर्या, ऑन द बेस ऑफ दैट डिजाइनेशन आई वॉन्ट टू मेक very important remark. There are few observations which I made which is amazing for me. I want to make it on record that having visited more than 30 to 40 universities, 55 convocations, 65 countries, 2500 lectures, the only university which I feel right now based on my short observation that you link education with spirituality, religion. Dr. Vijay Bhatkar yanni aple ya veli vichar mandle. I feel that the kind of transformation that is happening, and if you are sensitive, that this will, like what education should do, transform ourselves, and we should not be the same again. The way the words were expressed, the way they echoed, the way they reverberated, I think that's what the gurus do, this kind of transformation. MIT समूहाच्या वतीनं 8वी जागतिक संसद विज्ञान धर्म आणि तत्वज्ञान याच्या दुसऱ्या दिवसाची काही क्षणचित्र आपण आज पाहिलीत. भेटूयात तिसऱ्या दिवशीच्या काही क्षणचित्रांसह उद्याच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.